हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित और आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट पे। अब आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आयरलैंड वर्सेस यूएसए के ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन की, और जानने की और पूरी पहचानने की कोशिश करेंगे वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो आज के दिनों में ड्रीम टीम का हिस्सा होंगे और हमारे जो करोड़ों के ख्वाब हैं उन करोड़ों के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन 11 खिलाड़ियों को जानने से पहले और पकड़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो 22 खिलाड़ी हैं कौन जो आज खेलने वाले हैं, और ये जो मैच खेलने वाली है दोनों टीमें, ये किस जगह पे खेलने वाली है, क्या ये बैटिंग के लिए अनुकूल है, क्या ये बॉलिंग के लिए अनुकूल है, और अगर बॉलिंग के लिए अनुकूल है तो किसके लिए अनुकूल है, पेसर्स या स्पिनर। सारी चीजों को बारीकियों से जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी है कि जिसके परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है लेकिन इसके बावजूद हम उसको टीम में नहीं रखेंगे, और साथ ही साथ वो कौन सा लेस परसेंटेज यानी कम परसेंटेज वाला प्लेयर होगा, यानी लोग उसके ऊपर दाव नहीं लगा रहे, लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के मैच की बात करें तो वो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अब देखो, तुरुप का इक्का किस तरीके से कौन सा प्लेयर साबित होता है, इसको समझने के लिए बड़ी बारीकियों से वीडियो को देखना होता है और समझना होता है एक-एक बात को। अब उस चीज को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखो, एक एक चीजों को मैं बड़े बड़े पॉइंट से बड़े प्यार से मैं समझाता चलूंगा, ठीक है। अब देखा जाए तो आज का जो मुकाबला होने वाला है वो कहां होने वाला है, वो तो पहले चेक कर लें कि वहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखो, यहां पे जो दो भी मैचेस हुए हैं, एक्चुअली में मैचेस जो हुए वो दो मैचेस हुए हैं, अब उन दोनों मैच के थोड़े से रिकॉर्ड को देख लेते हैं, फिर आइडिया यहां से निकल जाएगा कि क्या सीखने को मिल रहा है। यहां श्रीलंका और आयरलैंड का मैच हुआ था, तो मतलब आयरलैंड को यहां पे बेनिफिट है, एक मैच यहां पे खेल चुकी है। श्रीलंका ने यहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 मारा था 8 विकेट के नुकसान पे, और आयरलैंड जब आती है तो 163 का पीछा नहीं कर पाती है और पूरी टीम 122 रन पे क्या हो जा रही है, ऑल आउट हो जा रही है। अब जरा विकेट को चेक करें तो पहली इनिंग में 7 विकेट पेसर ने लिया था, तो दूसरी इनिंग की बात करें तो 6 विकेट पेसर ने लिया था। अब पहली इनिंग में देखो तो स्पिनर ने 1 विकेट और दूसरी इनिंग में स्पिनर ने कितने विकेट, 4 विकेट। यानी देखा जाए तो दो पॉइंट यहां से सीखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि पेसर्स का जो दबदबा है वो ज्यादा है स्पिनर्स की तुलना में, पेसर्स का क्या है, दबदबा ज्यादा है, जो कि देखने को मिलता ही है, और वो सच भी बात है कि अगर टीम में ज्यादा पेसर खेलेंगे तो पेसर ही तो ज्यादा विकेट लेंगे, तो ये तो पॉइंट दिख गया। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है कि सेकंड इनिंग में देखो विकेट पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, गिर जा रही है, और पेसर अगर 6 विकेट लिया तो स्पिनर भी यहां पे 4 विकेट लेके जा रहा है, और पावर प्ले में विकेट देखोगे 59/3 40/2, मतलब अगर टीम 122 पे ऑल आउट हो रही है ऑब्वियसली बात है विकेट गिरेगा, 163 पे जब 8 रह रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि पावर प्ले में विकेट गिरता ही गिरता है, ठीक है। अब नीदरलैंड को देखें, यहां पे नीदरलैंड और श्रीलंका का मैच हुआ था, अब नीदरलैंड श्रीलंका का मैच हुआ, नीदरलैंड ने फिर से यहां पहले बैटिंग करते हुए 181 पे 6 मारा, और श्रीलंका जब यहां पे सेकंड बैटिंग करने आती है तो 161 रन पे पूरी टीम क्या हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है। अब एक पॉइंट को समझना है ना, ध्यान से समझना, कहने को तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड इनिंग में क्या है, गड़बड़ है, जो कि सही बात है। सेकंड इनिंग में देखो 122 पे ऑल आउट और यहाँ पे 161 रन पे क्या हो जा रहा है, ऑल आउट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये समझो कि श्रीलंका जब यहाँ पे पहले बैटिंग करा तो 163 मार रही है, और जब सेकंड इनिंग आ रही है बल्लेबाजी करने तो भी 161 रन मतलब मार दे रही है। हालांकि देखोगे तो आयरलैंड 122 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन श्रीलंका जब सेकंड इनिंग आती है खेलने के लिए तो वो क्या कर जाती है, 161 रन तक मार दे रही है। यानी समझ रहे हो क्या है कि विकेट तो सेकंड इनिंग में गिर रहे हैं, ज्यादा गिर रहे हैं, लेकिन अगर टीम ढंग से खेले तो ऐसा भी नहीं है कि वो रन को पहुंच नहीं सकती, मतलब समझ रहा हूँ 161 रन तक यहाँ पे पहुंच गई थी ना लगभग श्रीलंका, यानी टीम ढंग से खेले तो पहुंच सकती है, ये भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि पहली इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में क्या है, विकेट थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है और गेंदबाजों का दबदबा थोड़ा सा क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जरा चेक करोगे सेकंड इनिंग के अंदर तो 4 विकेट तो पेसर ने लिया लेकिन स्पिनर ने 5 विकेट, समझ में आई पॉइंट, ये देखो स्पिनर यहाँ पे दबदबा, देखो 5 विकेट, यहाँ पे स्पिनर का दबदबा देखो 4 विकेट, यानी स्पिनर का दबदबा है, ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर कर दोगे आप, दबदबा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मदद है, दबदबा है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे तो दबदबा ही दिख गया ना कि ज्यादा विकेट स्पिनर लेके गया, लेकिन कौन से इनिंग में, सेकंड इनिंग में, और यही चीज हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखो पेसर्स अगर पूरे मैच में 20 विकेट लिया तो स्पिनर ने 12 विकेट, मतलब समझ रहो कि अगर 65% विकेट कौन लेके जा रहा है, पेसर लेके जा रहे हैं, तो 35% लगभग 35% या 30% मान लो, 30-70 का रेशियो मान लो कि स्पिनर लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि गेम में नहीं है, गेम में बिल्कुल है, 35-40 मान लो कौन है, स्पिनर है, और 60-65% मान लो कौन है, पेसर है। अब विकेट को चेक कीजिए किस में ज्यादा मदद है स्पिनर को, तो देखो सेकंड इनिंग में स्पिनर को क्या है, ज्यादा मदद है, तो समझ में आ गई, स्पिनर्स को गेम में रखना है, लेकिन कौन से इनिंग में, सेकंड इनिंग में स्पिनर क्या होगा, ज्यादा गेम में होगा। अब क्या करेंगे यार, कि देखो समझ में क्या क्या आ रहा है चीजें मुझे अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, कि मुझे ये दिख रहा है कि पहले इनिंग में रन ठीक ठाक बन जा रहा है और सेकंड इनिंग में जब टीम आ रही है तो वो ऑल आउट हो जा रही है, और हमने ये भी पॉइंट चेक किया कि सेकंड इनिंग के अंदर विकेट ज्यादा गिर रहा है, यानी पेसर तो विकेट ले रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्पिनर ज्यादा विकेट ले रहा है। तो इससे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं क्या क्या चल रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना,
कि मैं पहले इनिंग का ऐसा बल्लेबाज पकड़ लूं जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी भी कर ले, है ना, रन बना ले, और सेकंड इनिंग में आकर के या तो वो पेसर हो या तो स्पिनर हो, वो मेरी प्राथमिकता ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इनिंग में रन बन रहा है, ठीक ठाक बन जा रहा है, 160 रन के करीब बन जा रहा है, भले ही 8-9 विकेट गिर जा रहा है, और ध्यान दो विकेट भी गिर रहा है, ऐसे मतलब क्या है कि उस प्लेयर को जो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की सूची में आ जाते हैं, वो ऑलराउंडर है और उसको चौथे पांचवें नंबर, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है, उसको मौका भी मिलेगा पहली इनिंग बल्लेबाजी का, क्योंकि 8-9 विकेट गिर रहे हैं, हमने पहले इनिंग में देखा है। और साथ में जब सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करना है, चाहे वो पेस क्यों ना फेंकता हो, चाहे स्पिन क्यों ना फेंकता हो, वहां पे उसके लिए मदद है। अब देखो हमारी मानसिकता क्या होती है कि हम ऑलराउंडर कौन सा ज्यादा पकड़ते हैं, वो ऑलराउंडर जो पेस ऑलराउंडर हो उसको जनता ज्यादा पकड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो मैंने बोल तो दिया, मैं चेक कर लेता हूं, ये देखो एंडरसन पेस ऑलराउंडर है, देख लो, मार्क एडायर पेस ऑलराउंडर है, देख लो, और देखो डेलानी, डेलानी को हम चेक करते हैं, ओके एक सेकंड रुके रहना, डेलानी के ऊपर हम बात करते हैं, राइट हम, ये तो राइट हैंड बल्लेबाज है और लेग स्पिनर है ना, लेकिन देखो इसका कैच थोड़ा सा कम है ना, कम है। कैंपर का हम चेक करेंगे, राइट हम मीडियम फास्ट है। तो देखो बेसिकली क्या मेरे को कहना था कि यहाँ पे ऑलराउंडर्स की जो भूमिका होगी वो ज्यादा होगी। अब देखो एक ऐसी टीम खेल रही है, दो ऐसी टीमें खेल रही हैं जो एक मतलब बराबर लेवल की टीम है। आयरलैंड भले ही 2-2 मैच हारी है, लेकिन हल्के मत लेना, ऐसा मत सोचना कि एकदम बेकार टीम है। और यूएसए ने 3 मैच में से 2 मैच जीता और 1 मैच हारा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा गेम खेल रही है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि एक तरफा यूएसए यहाँ पे जीत जाएगा। नहीं, आयरलैंड बहुत मजबूत टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे उलटफेर आयरलैंड ने पहले किए, इस बार यूएसए आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपके दिमाग पर चढ़ा होगा यूएसए, लेकिन आयरलैंड यूएसए दोनों अच्छी टीम है और आयरलैंड भी यहाँ पे अच्छी टीम मान के चलना, भले 2 मैच यहाँ पे हारी हुई है। तो ऐसे में इस वाले पिच के ऊपर ऑलराउंडर्स की भूमिका क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देख लिया है कि किस तरीके से विकेट गिर रहा है। तो देखो एंडरसन, मार्क एडायर, एस टेलर, स्काईवॉक, स्काल्विक, डेलानी, कैंपर, इनकी हम पहले बात कर लेते हैं, राइट। अब चलो कुछ छोटा तो नहीं है ना, नहीं, चलो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, 6 है ना, 6 के 6 के बारे में बात कर लेते हैं। कॉरी एंडरसन, पिछले मैच में हमने देखा कि इन्होंने यूएसए वालों ने स्पिनर को उतारा नहीं, हालांकि जिस स्पिनर को इन्होंने बैठाया था उसने 3 विकेट लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसको बैठा दिया इंडिया के खिलाफ, और एंडरसन ने पूरे के पूरे 4 ओवर फेंके। तो एंडरसन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का एक लेजेंड हुआ करता था एक समय में, कॉरी एंडरसन न्यूजीलैंड का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हुआ करते थे, और अभी यूएसए के लिए भी खेल रहे हैं तो एक अच्छी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, ये कॉरी एंडरसन, ठीक है। तो कॉरी एंडरसन के ऊपर आप नजर बिल्कुल रख रहे हैं ना, और वैसे भी आपको पता है कि सामने वाली जो टीम है वो बैटिंग से अभी उतने फॉर्म में नहीं चल रही, तो कॉरी एंडरसन कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर अच्छा कारनामा करके दिखा सकते हैं। मार्क एडेयर की बात करोगे, मार्क एडेयर की बात करो तो आपको पता है पावर प्ले में भी, डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, और साथ ही साथ ये बंदा रन भी बनाता है यार, हाँ रन भी बनाता है मार्क एडेयर, ऑलराउंडर सेक्शन में हालांकि इसका नाम होना चाहिए। तो देखो इनके जो बल्लेबाज है ना आयरलैंड वाले, वो बल्लेबाजी से भी आपको रन दे देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है किधर, आयरलैंड के पास, तो ये आपको बल्लेबाजी से पॉइंट दे देंगे। एस टेलर की मैं बात करना चाहता हूं, मैं आप सुनो क्या है, ये तो ओपनिंग करता है प्लस ऑफ स्पिनर भी है, तो ऐसे में अगर पिच के ऊपर स्पिन को मदद है तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे लगता है कि हरमीत जान रहा हो ना, हरमीत के भी फोटो दिखाता हूं, हरमीत और ये टेलर, मुझे लगता है कि यार ये ओवर फेंक सकते हैं। हरमीत को हालांकि पिछले मैच में तो ओवर ही नहीं मिला, ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है ना हरमीत सिंह, ओवर ही नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है हरमीत को और टेलर को आज के मैच में शायद हो सकता है सेकंड इनिंग के अंदर, हो सकता है गेंदबाजी का मौका मिल जाए, बिल्कुल मतलब सेकंड इनिंग के अंदर, मुझे गारंटी नहीं बोलेंगे यार, क्रिकेट में गारंटी नहीं दिया सकता, बट एक होता है ना कि अनुमान लगाना, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद दिया जा सकता है। तो ऐसे में एस टेलर जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। अब एस टेलर को देखो परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि पिछले मैच में इन्होंने जो रन बनाए थे, जो भी थोड़ा बहुत रन बनाया था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एस टेलर को लग रहा है लोगों को, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि यार स्पिन को मदद है तो यहाँ पर एस टेलर को गेंदबाजी मिलेगा और ऐसे में कारनामा कर देगा, तो इस वजह से एस टेलर का क्या परसेंटेज हाई है। हालांकि बढ़िया बल्लेबाज भी है, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाज है, नो डाउट ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, 4 ओवर इन्होंने फेंका था एस वानविक ने, तो स्काईवॉक ने क्या किया था, 4 ओवर पिछले मैच में फेंका था, डाउन डी ऑर्डर आके बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पहले इनिंग में अगर रखना हो तो पहले इनिंग के लिहाज से बहुत अच्छा, मतलब पहले इनिंग बल्लेबाजी और सेकंड इनिंग में क्या हो गेंदबाजी, ये बहुत बेस्ट है। उसके बाद जी डेलानी की बात करते हैं, जी डेलानी की अगर हम बात करेंगे तो चौथे नंबर पे आते हैं, ये आते हैं 7वें नंबर पे, और अब इनका रिसेंट देखा जाए तो एक इनिंग में, मतलब इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था, डेलानी ने बड़े तेज तरह 26 रन मार दिए थे यार, बहुत जल्दी जल्दी तेज 26 रन करके मार दिया था, और लास्ट मैच में देखो तो 3 रन बनाया भी था और 1 विकेट साथ में लिया। तो अगर इनिंग के हिसाब से जाए तो पहले इनिंग में अगर बल्लेबाजी आती है और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी आती है तो डेलानी आपके गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हालांकि देखो ये 2 ओवर ही फेंकते हैं, ये और कैंपर,
ये और कैंपर की बात करोगे तो दोनों का रोल एक ही जैसा है यार, एकदम सेम एक जैसा रोल है। और दोनों के दोनों मतलब अच्छी बल्लेबाजी भी, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये क्या कर लेते हैं, ये गेंदबाजी से दो दो ओवर फेंक लेंगे। तो दो में से एक को पिक करना आपके लिए क्या हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। अब एक प्लेयर की हम बात करना चाहेंगे, ठीक है, इन्हीं के तरफ प्रकार का वो भी है, और वो है डॉकरेल। मैं डॉकरेल की बात कर लेता हूँ, रुक जाना, हालांकि चांसेस कम है डॉकरेल को गेंदबाजी मिल जाए, लेकिन डॉकरेल की, ये डॉकरेल आया ना, डॉकरेल को देखो 20% लोगों ने सेलेक्ट कर करके है, ये आते हैं छठवें नंबर पे, ठीक है। अब डॉकरेल को देखो तो पिछला मैच में देखो तो 30 रन इन्होंने मारा है, अब पहली इनिंग में एवरेज जो है इनका बहुत अच्छा है। अब अगर हम मान के चल रहे हैं कि अगर विकेट गिर रहा है ना, विकेट तो ऊपर में गिर रहा है चाहे पहली इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, तो ऐसे में मुझे लगता है डाउन दी ऑर्डर देखो तो डॉकरेल आकर के अच्छी पारी खेल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से जब गिरेगा तो नीचे खेल सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, डॉकरेल जो है ना ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो मुझे लगता है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो ऐसे में शायद हो सकता है कि यूएसए जो कि राइट हैंडर काफी ज्यादा भरे हुए हैं, अगर ऊपर से टेलर को हटा दो तो राइट हैंडर ज्यादा भरे हुए हैं, तो ऐसे में जहांगीर, गोज, जोन्स, नीतीश, इनके सामने मुझे लगता है कि ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर डॉकरेल कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते वही बात है कि आयरलैंड के कप्तान इनको क्या करें, गेंदबाजी को अगर दे देते हैं तब जाके अच्छे साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर के बारे में मैंने आपको पूरा पूरा क्या हो गया समझा दिया, अभी बने रहो, हर एक चीज़ों को मैं बारीकियों से समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं, ऐसा करते हैं मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा इनके प्लेयर को, राइट, आयरलैंड के प्लेयरों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आयरलैंड के प्लेयरों को सेलेक्ट करके मैं आपको इनिंग वाइज बता देता हूँ कौन सा क्या हो सकता है, तुरुप का इक्का कौन होगा, कौन नहीं होगा, किधर खतरा है, किधर खतरा नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझा देता हूँ, राइट, जस्ट हैव पेशेंस गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। यस गाइस, हियर वी गो, कोई छुटा है क्या, एक सेकेंड, आयरलैंड का कोई छूट गया क्या, बैटिंग सेक्शन से आ जाओ, अरे कोई छूट गया क्या भाई, नहीं, चलो जो छुटा को बता देंगे, ठीक है, एक छूट गया जो बता देंगे, एल टकर जो इनके विकेट कीपर है, ठीक है, एल टकर की बात करेंगे, दोनों मैच जो इन्होंने खेले, दोनों मैच में यार 10 रन इन्होंने बनाया, तो देखो आते तो हैं एल टकर 30 नंबर पे, और अगर इस वर्ल्ड कप से पहले की बात करो तो एल टकर का जो रिकॉर्ड था मतलब रन वाइज वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रन यहाँ पे बना के आए थे, लेकिन जो पिचेस मिल गई वो उनको उस तरीके का पिचेस नहीं मिली, उस तरीके के अनुकूल पिचेस नहीं मिली जहाँ पे अच्छे से खेल सके, तो पिच का ही गड़बड़ी हो गया, हालांकि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में आपको किसी ना किसी को तो एक को रखना होगा, एक तरफ है एल टकर है ना, और दूसरी तरफ है आपके ए गाउस, तो दोनों का हाल तो एक ही जैसा है, हालांकि ए गाउस को देखो यार तो हाल वैसा नहीं है, पिछला मैच में 2 रन पे आउट हुए, लेकिन इसके पहले के 2 मैच में देखोगे तो 65 रन और 35 रन, तो ऐसे में ए गाउस क्या है ज्यादा आपके सेफ रहेंगे, एल टकर थोड़े से कम रहेंगे, इस बात का ख्याल रखना, लेकिन हो सकता है कि आपका गेम चेंजर भी ऊपर से कोई हो सकता है बल्लेबाजी में, तो आपके क्या हो सकते हैं, एल टकर हो सकते हैं, क्योंकि ये है, ये एल टकर और ट्रैक्टर की बात करोगे तो ये उस तरह के बल्लेबाज है कि एक मैच दो मैच जरूर ऐसा खेल जाते हैं जो तगड़ा खेल जाते हैं, बढ़िया खेल जाते हैं और हम सब चौंक जाते हैं, तो ये उस तरह के बल्लेबाज है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन चौंकाने वाले, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अब प्रीव्यू करते आगे बढ़ते हैं, स्टर्लिंग इनके कप्तान, ऊपर आएंगे और बालबेरिन, अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आपको पकड़नी है स्टर्लिंग मिल जाएंगे, समझदारी से अगर बल्लेबाजी करते हुए पकड़ना है तो आपको कौन मिल जाएंगे, बालबेरिन मिल जाएंगे, हालांकि बालबेरिन का देखो तो सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड क्या है, अच्छा है, और स्टर्लिंग का देखो तो 27 और 28 का एवरेज है, मतलब पहली इनिंग में 27 दूसरी इनिंग में 28, तो इस तरह का एवरेज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रैक्टर, यस, हैरी ट्रैक्टर छूटा ना, वही ट्रैक्टर की बात हम कर लेंगे, वही छूटा हुआ है। पांचवें नंबर पे कौन आएंगे, कैंपर आएंगे, कैंपर की पहले बात कर लेते हैं, कैंपर का मैंने आपको समझा ही दिया, ऑलराउंडर, दौर फेंकेंगे और ये बल्लेबाजी भी आपको करके दे सकते हैं, और ये पहले इनिंग के हिसाब से क्या है, बेस्ट होंगे, पहले इनिंग बल्लेबाजी और सेकंड इनिंग में क्या हो, गेंदबाजी करने के लिए बेस्ट होंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, डॉकरेल, उसके बाद डॉकरेल आएंगे, डॉकरेल का मैंने आपको समझा दिया ना कुछ देर पहले बताया, फिर उसके बाद आते हैं डेलानी, डेलानी की बात करो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर जाते हैं और राइट हैंड बल्लेबाज भी है और ये लेग स्पिनर भी है, तो ऐसे में लेग स्पिनर यहाँ पे अच्छी भूमिका निभा सकता है क्योंकि स्पिन को यहां मदद है, तो ऐसे में जी डेलानी जो होंगे वो मुझे लगता है कि जी डेलानी आज इनकी तरफ से, आयरलैंड की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। डेलानी और कैंपर के ऊपर नजर रखना, अगर सस्ते में चाहिए तो कैंपर को उठा लेना, थोड़ा सा रिस्क है, अगर थोड़ा सा महंगे में चाहिए तो जी डेलानी को उठा लेना जो कि थोड़ा सा महंगा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा क्या है भरोसेमंद है, किसकी तुलना में, कैंपर की तुलना में। अडायर को पकड़ लो, भले बॉलिंग सेक्शन में दिख रहा है लेकिन क्या है, बैटिंग बॉलिंग ये दोनों से पॉइंट दे सकता है, तो ये आपका डीटी वाला फिक्स है, मार्क अडायर की बात कर लो तो डीटी वाला आपका क्या एक तरह से फिक्स है। हाँ, कैप्टन का दावेदार प्रबल है कि नहीं है इस पे अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बट यस, डीटी का हिस्सा कौन है, मार्क अडायर। जोशुआ लिटिल की बात करते हैं, जोश लिटिल लगातार 2 मैच में विकेटलेस गए, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना कितना मुश्किल है यार, कि विकेटलेस मतलब विकेट ही नहीं लिया, इतना बढ़िया गेंदबाज, तो जरा सोचो
यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ से एक चीज़ ये हो सकती है कि वाकई आज के मैच में फिर से फ्लॉप हो जाए, कि मतलब एकदम नर्वस हो गए होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, एकदम कंधा के नीचे गिर गया होगा कि यार मैं क्या गेंदबाजी कर रहा हूँ, विकेट तो ले ही ना पा रहा हूँ। तो ये तो यह होगा कि या तो आज के मैच में जीरो विकेट लेके जाए, या फिर यंग लड़का है, खून गर्म है, और समझ रहे हो ना इनकी माइंडसेट भी जो होती है ना विदेशियों की थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो क्या पता अपना कैरेक्टर का परिचय देते हुए आज ये बंदा जाग जाए और जागते हुए आज 3-4 विकेट उखाड़ जाए। तो या तो 0 विकेट या तो आज 3 विकेट ये उखाड़ता हुआ मुझे कौन दिखा दे रहा है, जॉश लिटिल। इसलिए अगर आपको लगता है इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना तो मत बनाना, लेकिन अगर रिस्क लेने वाले अगर आप में से हो तो सेकंड इनिंग के अंदर जॉश लिटिल को आप क्या बना सकते हो, कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों में से एक की दावेदारी दे सकते हो, लेकिन ध्यान दो रिस्की होगा। कॉल आपका होगा, सिखाना मेरा काम है, लेकिन कॉल क्या होगा आपका होगा, डिसीजन लेना आपका काम होगा, जॉश लिटिल। ठीक है, मैकार्थी की अगर हम बात करें तो क्या है कि देखो पहले मैच में 0 विकेट और लास्ट वाला जो मैच खेला ना उसने 2 विकेट लिया। अब रिकॉर्ड देखो अगर इसका तो पहले इनिंग में इसको 18 गेंद लगते हैं विकेट लेने में और दूसरे इनिंग में 25 विकेट लगते हैं विकेट लेने में। अब समझो आपके दिमाग में चल रहा होगी यार रिकॉर्ड तो ये बताता है कि सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, ज्यादा मदद है, लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या बता रहा है, पहले इनिंग में ज्यादा विकेट लेता है। तो इस हिसाब से ये पहले इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो दोनों के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि इसका पर्सनल रिकॉर्ड क्या बताता है, पहले इनिंग अच्छा गेंदबाज है और पिच पे जो मदद है वो किस में मदद है, सेकंड इनिंग मदद है। इस हिसाब से मैकार्थी पहले इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो दोनों के लिए आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। अब मैकार्थी की जरा चेक कर लेते हैं ना परसेंटेज वगैरह, 61 में मिल रहा है, यंग को देखो 52% में मिल रहा है और लिटिल 70। पता है सबके परसेंटेज हाई क्यों है, आप जानते हो रीज़न क्या है, कारण क्या है, रीज़न ये कि दोनों की दोनों जो टीमें हैं ना वो बराबरी की है, एक लेवल की टीम है। अगर एक मजबूत एक कमजोर टीम रहता है तब जाके परसेंटेज में उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे देखने को मिलता है, लेकिन जब बराबरी की टीमें रहती है ना तो जनता क्या करती है, किसी पे भी दाव लगा देती है, मतलब नहीं सोचती है, मतलब सोचती है कि कोई भी अच्छा कर सकता है, और जो कि सही है, जनता सही सोच रही है, कोई भी कर सकता है ना क्योंकि बराबरी की टीमें हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ना इनिंग के हिसाब से टीम को बनाना होता है, इनिंग के हिसाब से बनाओगे वो बेस्ट रहेगा, और इनिंग के हिसाब से मतलब क्या कि सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी करेगा, या फिर ये दूसरी भाषा में बोलो कि पहले इनिंग में जो बल्लेबाजी कर रहा है उसको फेवरेट मानते हुए टीम को बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 6-5 या 7-4। हालांकि 7-4 मैं नहीं बोलूँगा, दोनों टीमें एक ही लेवल की हैं तो 7-4 नहीं बनाओ, लेकिन 6-5 आपके लिए बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है 7-4, तो आपके ऊपर रहेगा कि आपको क्या करना है, लेकिन पहले इनिंग को फेवरेट मानते हुए टीम को बनानी होगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, सबका मैंने कंप्लीट कर दिया ना, अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो बचा है ना, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर का क्या है यार, रोकिए रो उसको, ट्रैक्टर का क्या है कि ऊपर से अगर विकेट गिर जाएगी तो ट्रैक्टर को हमने टीम में रख लेना है, अगर ऊपर से विकेट गिरती है तो ट्रैक्टर अच्छा चल जाएगा। देखो टक्कर और ट्रैक्टर, ये टीटी जो है ना, टी फॉर ट्रैक्टर, टी फॉर टक्कर, ये टीटी में से एक जो होगा जरूर अच्छी पारी खेलेगा, ध्यान देना, टीटी जो है ना इन टीटी में से एक पारी अच्छी जरूर खेलने वाला है। अब जरा बात कर लेते हैं इनकी, क्या बोलते हैं, कैनेडा वाले, सॉरी यूएसए वालों की, यार यूएसए वाले वाकई यार जो भी कहो गेम तो अच्छा खेल रहे हैं, इस बात को तो स्वीकार करना होगा हमें कि यूएसए के जो प्लेयर हैं गेम बड़ा प्यारा खेल रहे हैं। हालांकि पता है रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जो भी होस्ट नेशन होती है ना, होस्ट नेशन समझ रहे हो, होस्ट नेशन मतलब ये कि जो वर्ल्ड कप को होस्ट कराती है उनको ना ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन मिल जाता है, वो मतलब क्या करते हैं वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको कोई भी कुछ ऐसा मैच वगैरह खेलना नहीं पड़ता है कि आपको ये मैच खेलना पड़ेगा तब जाके आप क्या हो पाओगे सर क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ये क्वालिफाई हो जाते हैं जो होस्ट नेशन होता है, राइट। तो ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ये क्वालिफाई हो चुके हैं ना पहले, बट देखो ये इन्होंने गेम खेला यार, भले ऐसे इनको मिल गया फ्री में मिल गया, लेकिन इन्होंने गेम खेला, जबरदस्त खेला, 3 में से 2 मैच जीता है, एक शायद कनाडा को हराया, हाँ कनाडा को हराया उन्होंने, और एक मैच किसको हराया हुआ है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला कैसे भूल सकते हो, और इंडिया वाला मैच देखा ना आप लोगों ने, कितना ज़्यादा फंस दिया था, मतलब इन लोगों ने फंसा दिया था, अगर सूर्य कुमार यादव वाकई नहीं खेला रहा था तो ये मैच इन लोगों ने वो भी निकाल दिया था। और अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला था, सूर्य कुमार यादव की प्रेडिक्शन आपको याद है ना, कि आज मेरी इंट्यूशन यानी अंतर की आत्मा सूर्य कुमार यादव पे दाव लगाने के लिए बोल रही है, आप देखिए ना कितना वर्ड टू वर्ड मैं सूर्य कुमार यादव पे बोलता हूँ, और वो चीज़ें हुई क्योंकि मुझे याद था सूर्य कुमार यादव और नेत्रा वालकर जो है ना यूएसए के जो बॉलर, ये वाला जो गेंदबाज दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है अंडर 16 अंडर 18 या 19 में दोनों एक साथ खेल चुके हैं और ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए, तो मुझे लगा यार एक्साइटेड है भाई तू, ये तो फॉर्म में नहीं चल रहा फिर भी तू एक्साइटेड है, मतलब आज तुम करने की पूरी पूरी उम्मीद किए हुए हो और आज कमजोर टीम तुमको थोड़ा सा मिली भी हुई है, मतलब कमजोर टीम नहीं बट पाकिस्तान की तुलना मिली हुई है, तो आज तुम करना चाहोगे, इसलिए मैंने दाव लगवाया था। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि इन बातों को जो मैं बोलता हूं ना सुना करो, सीखा करो, बुद्धि विवेक लगाया करो, समझदारी अपनी इस्तेमाल किया करो और इंट्यूशन यानी अंतर आत्मा का इस्तेमाल किया करो, अंतर की आत्मा कहती है हमसे, हम उनकी सुनते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा की जो आत्मा है ना
वो पवित्र है और वो हमें सिखाती है, समझाती है, बताती है, उसकी आवाज़ होती है, बशर्ते हमारे पास वो कान होना चाहिए सुनने के लिए। तो अगर आपके पास कान है तो उस परमात्मा की दी हुई आत्मा की आवाज़ को सुनो जो आपके अंदर है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं। हो गई धार्मिक बातें, अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन वाली बात कर लेते हैं ना। तो ऊपर से बल्लेबाजी करने आएंगे टेलर, और टेलर के साथ आएंगे ये जहांगीर। ये जहांगीर के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहता हूँ, सुनना। ये जहांगीर का मैं अभी आपको टेलीग्राम में एक वीडियो भेजता हूँ, वो जा करके देखना। इस जहांगीर ने बोला है कि क्या बोलूँ, चार दिन के आए हुए लड़के ना, मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा से तुलना करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि मेरे को मतलब ये वर्ल्ड कप खेलना था और मुझे विराट कोहली के खिलाफ मैच खेलना था। मुझे बहुत पसंद है विराट कोहली और रोहित शर्मा, बड़े प्लेयरों के खिलाफ खेलना, और मुझे इस ICC टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और ये खेल करके मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ, विराट कोहली को बोला सुनना कि असली किंग कौन है। ये नालायक मतलब दुष्ट प्राणी कहेंगे, ये विराट कोहली को बोल रहा है कि मैं प्रमाणित करूंगा और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि असली किंग कौन है। अरे ये चार दिन के आए हुए बच्चे ना विराट कोहली को चैलेंज करने लगते हैं, हंसी आती है। बट समझना क्या है ना कि आप जानबूझ के ना लोग आपको जिंदगी में टारगेट करेंगे। अगर आप ऊंचाइयों पर लाइफ में जा रहे हो ना तो बुरा मत मानना, लोग आपकी जानबूझ के इसलिए निंदा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं हाईलाइट होना, वो आपके ना सफलताओं को वो पचा नहीं पा रहे, इसलिए लोग आपकी बुराई करें ना तो ऑफेंड मत होना, बिल्कुल नाराज मत होना, बस उनको गॉड ब्लेस यू बोल देना, क्योंकि कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, गॉड ब्लेस यू बोल देना चाहिए। ओके चलो, तो आते हैं जहांगीर, जहांगीर और टेलर की बात करते हैं। अब देखो टेलर ने तो अपना टेलर उस तरीके से दिखाया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट टेलर उस तरीके से दिखाया नहीं है, बट मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना ऑलराउंडर वाली जो सूची दिखाई थी उस हिसाब से आज हो सकता है गेंदबाजी करें और कारनामा कर सकते हैं। अब जहांगीर की बात करो, अब ये लड़का अगर इस तरह का बोल रहा है तो कभी कभी होता है ना कि यार कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हाँ मतलब होता है ना कि झटके में होता है ना, झटके में खेल जाते पारी, तो झटके में खेलने के हिसाब से कौन है, जहांगीर अच्छा है। अब जरा जहांगीर का बल्लेबाजी सेक्शन में जाके परसेंटेज देखते हैं तो मुझे कितना दिख रहा है, 4%, यानी समझ लो तुरुप का इक्का, यानी ये आपका हो गया वो तुरुप का इक्का जिसको कोई सोच ही नहीं रहा, एकदम हल्के में ले रहा है। और ये बंदा अगर खेल गया, अगर ऊपर से खेल गया तो ये आपका ट्रंप भी वाइस कैप्टन है और रिस्की भी वाइस कैप्टन है, तगड़ा तगड़ा वाला, ठीक है समझ रहे हो ना। तो ये आपका वो तुरुप का इक्का वाला हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, यानी ट्रंप वाइस कैप्टन बोल सकते हो, रिस्की वाइस कैप्टन बोल सकते हो। ऊपर खेल रहा है यार, ऊपर खेल रहा तो ऐसा भी नहीं कि ऊपर कुछ नहीं है, पहले इनिंग में अगर आ जाए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखो रिस्की होगा। लेकिन अगर चल दिया ना तो समझ जाओ कि 4% लोगों ने जनता रखा है, यानी 4% समझ रहे हो, 1 करोड़ अगर जनता मान लो अगर खेलती है तो 1 करोड़ का 4% कितना हो जाता है, 4 लाख, मात्र 4 लाख लोगों ने टीम में रखा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर देखोगे ना तो उस 4 लाख में से भी हो सकता है मुझे 8-10 हज़ार, मुझे लगता है 8-10 हज़ार लोगों ने टीम में रखा होगा। मैं आपको एक टीम बनाऊंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। ए जोन्स की बात करो, 4th नंबर पर आते हैं, पिछले मैच में कप्तानी की और जबरदस्त इसने कप्तानी की है, इंपॉर्टेंट प्लेयर, और मुझे लगता है कि पहले इनिंग में आपको इसको रख के लेके चलना चाहिए। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, 10 छक्के मारा भी था इसने, किसके खिलाफ, पहला मैच जो हुआ था उसी मैच में इसने 10 छक्के मार के क्रिस गेल की बराबरी की थी, उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अब नीतीश कुमार, मैंने कहा था ना नीतीश कुमार छाए हुए हैं, पूरे देश में छाए हुए हैं, जब इंडिया में छाए हुए तो यूएसए में नहीं छाएंगे, यूएसए में भी जाके छाएंगे। और मैंने बोला था कि नीतीश कुमार को अगर आपको रखना होगा तो रख लेना, मैंने बताया था स्काई वॉक, याद आ रहा है, स्काई वॉक और नीतीश कुमार, इन दोनों को टेलीग्राम में मैंने नाम लिखा था और कहा था कि एक बार नजर थोड़ा इनके ऊपर दौड़ा लेना, थोड़ा सा रिस्की होंगे लेकिन ध्यान दो, थोड़ा सा एक बार नजर इनके ऊपर डाल लो, और नीतीश कुमार चल के दिखा दिया ना। तो चीजों को समझा करो, इंट्यूशन की आत्मा जो होती है वो बताती है, और उन्हीं की मदद से मैं बहुत सी चीजों को समझा देता हूं, बता देता हूं कि एंडरसन मस्पिक आपका, एस टेलर उलटफेर कर सकता है, एस वॉनविक ये ऐसा प्लेयर है लोग इनके ऊपर दाव उतना नहीं लगा रहे। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ऑलराउंड सेक्शन में आओ, 10%, ये देख रहा हूं, पता नहीं क्यों ये 10% ही जनता है जो उनके बारे में सोच पा रही है। मैं चाहता हूं कि 11% आप लोग बनो 11% जो आप किसके बारे में सोचो, एस वॉनविक के बारे में सोचो। ये ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग से और प्लस गेंदबाजी से दोनों से मैच की तकदीर पलट सकता है, समझो। नजर किसके ऊपर है, एक खान, नेत्रवालकर, एच सिंह, लेकिन तकदीर कौन पलट सकता है आपकी, तकदीर पलटने वाला ये गेंदबाज है। मैं ये नहीं कह रहा चलेगा, मैं ये कह रहा तकदीर पलटेगा, क्योंकि 11% मात्र 10% लोगों ने रखा हुआ है, यानी 1 करोड़ का 10% 10 लाख लोगों ने रखा हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर देखोगे तो होगा मतलब 40-50 हज़ार लोगों ने इसको टीम में रखा हुआ है, यार 1 करोड़ में से 40-50 हज़ार लोग रख रहे हैं टीम में, समझ लो तकदीर पलटेगा कौन, ये इसको मनाओ कि आज बल्लेबाजी भी करके 15-20 बना दे, और मनाओ कि आज 3 विकेट लेके चला जाए तो आपकी तकदीर पलट जाएगी अगर हो गया ऐसा, ठीक है। एच सिंह की बात करोगे तो एच सिंह की मैं क्या बात करूं भाई, एच सिंह का क्या था कि समझना, हरमीत राइट, हरमीत सिंह की बात करो तो लास्ट में इनको गेंदबाजी नहीं मिली, मिली ही नहीं गेंदबाजी, काहे को नहीं मिली मेरे को नहीं पता, क्योंकि शायद हाँ हो सकता है कि वो था कि स्पिनर को मदद नहीं था तो इंडिया के खिलाफ इन लोगों ने पेसर फेंकवा दिया। लेकिन मैं बताऊंगा हरमीत सिंह, जरा देख लो हरमीत सिंह का परसेंटेज देखो यार भैया, ए भैया आगे पहले जरा हरमीत सिंह का परसेंटेज देखो, पहले
17.22, यानी जनता पिछले मैच को लेके चल रही है, लेकिन पिछले मैच को लेके मत चलो, नया दिन नया सवेरा नया मैच नई उम्मीद, ये समझो। हरमीत सिंह बल्लेबाजी भी आगे कर जाएंगे नीचे, और साथ ही साथ पता है ये हरमीत सिंह आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन फेंकते हुए भी दिखाई देंगे, और ऐसे में पिच पे जब मदद है तो सेकंड इनिंग में समझ रहो बड़ा कारनामा कौन कर सकता है, ये हरमीत सिंह, और ये बन जाएगा आपका एक और तुरुप का इक्का। ये तुरुप का इक्का इसको नोट कर लो, लिख लो तुरुप का इक्का, ये भी है। आपको दिख रहा है नेत्रवालकर बड़ा प्लेयर, आपको दिख रहा है एक हान बड़ा प्लेयर, नो डाउट ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन देखो ये 92% जनता 70% जनता इनको रख ही रही है, वो तो जान रही है, लेकिन इसके बारे में एस सिंह के बारे में कोई नहीं जान रहा, लेकिन आज ये तुरुप का इक्का हो सकता है। चार में से एक या दो मैच में ट्राई करते हुए आप इन पर क्या कर सकते हो, दाव खेल सकते हो, बिल्कुल दाव खेल सकते हो, और वाइस कैप्टन के लिए भी दाव खेल सकते हो सेकंड इनिंग के अंदर। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी, मैं समझाऊंगा समझ में आप लोगों को, हो नहीं सकता। चलो आगे देखता हूँ बैटिंग, हाँ हो गया, सबका हो गया ना, कुछ बचा है क्या, नहीं सबका हो गया ना, किसी का बचा नहीं है। नित्रवाल का अली खान, जस्सी सिंह है ना, जस्सी सिंह का बच गया भाई, एक को हटाते हुए जरा जस्सी सिंह को भी सेलेक्ट करके बता देते। जोशुआ लिटिल तो हो गया ना भाई, जोशुआ लिटिल हो गया, जस्सी सिंह, अब जस्सी सिंह का देखो ये भगवान क्या हो गया जनता को, जस्सी सिंह मात्र 10% काहे को भाई, इसलिए कि जस्सी सिंह ने क्या किया है, विकेट नहीं लिया है, 0 विकेट 1 विकेट यही लिया है, इसी वजह से क्या, अरे नहीं यार फर्क नहीं पड़ता है, कोई विकेट नहीं लिया है फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। एक बात बताओ, जस्सी सिंह विकेट नहीं लिया है, 1 विकेट लिया, 2 मैच में 1 विकेट लिया है, अब जरा इनकी देख लो, यंग को जोशुआ लिटिल देखो, ये भी 1 भी विकेट नहीं लिया है, इसको क्यों 75% लोगों ने रखा हुआ है, काबिलियत के आधार पे ना, कि मतलब हाँ काबिलियत है, तो यार जब ये 4 ओवर गेंदबाजी कर रहा है मतलब काबिलियत है, तो ये जस्सी सिंह भी तो 4 ओवर फेंक रहा है, मतलब इसके अंदर भी तो काबिलियत है, विकेट लेके जाएगा अगर ये वाला तो आपका गेम कौन बनाएगा, जस्सी सिंह बनाएगा, लिटिल लेके जाएगा तो आपका गेम नहीं बनाएगा, ये 75% जनता यानी 75 लाख जनता की ये गेम बनाएगा, लेकिन अगर जस्सी सिंह विकेट लेके जाता है तो ये मात्र 10 लाख लोगों का क्या बनाएगा, गेम बनाएगा, यानी 90 लाख कॉम्पिटिशन क्या हो जाएंगे बाहर। तो समझाया ना मैंने आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरीके से बनाते हैं, मतलब ऐसी पिच जहाँ पे गेंदबाजी के लिए मदद हो, पेसर जो मेन होता है, बड़ा नाम होता है, बड़ा दर्शन होता है, बड़े रिकॉर्ड वाले हैं उनको लोग रख लेते हैं, लेकिन उनमें से जरूर एक होता है जो क्या हो जाता है, वंचित। बुमराह का देखा ना, वंचित रह गया पिछले मैच में, देख लो जो बोलता हूँ वही होता है, और इसी को बोलते हैं रिसर्च करके लर्निंग देना। मैं रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करके आपको लर्निंग देता हूँ ताकि आपके लिए ज़िंदगी भर काम है, इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन। मेरा मकसद नहीं कि मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूँ कि आप स्टूडेंट हो कॉपी पेन लिखो, नहीं, ये समझो ना कि एक मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, ये सीख लोगे लिख लोगे तो ज़िंदगी भर काम देगा, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ लिख लो चीज़ों को तो ताकि काम दे ज़िंदगी भर, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो भी आप अपने से कर लो कि हाँ सर आप भूल गए थे फिर भी हमको याद था हमने लिखा था हमने कर लिया, ये चीज़ मैं चाहता हूँ यार, फायदा होना चाहिए आपका, ये मैंने इंपॉर्टेंट है। तो जस्सी सिंह राइट, जस्सी सिंह और एक कौन मैंने बताया, कौन बताया, एच सिंह, ये आपकी तकदीर पलटने वाले हैं ना, समझना, जस्सी सिंह और जे सिंह, एच सिंह जे सिंह, ये जो दो है ना, एच सिंह जे सिंह, ये तकदीर पलटने वाले हैं ना, तकदीर पलटने वाले हैं। और अगर आप बात करोगे फिक्स प्लेयरों को लेकर चलने की, कौन सा प्लेयर फिक्स है जो मैं लेकर चलना चाहिए विकेट लेने के मामले में, तो आपके ये तीन हो जाएंगे, ये तो मैं ना बताऊं तो भी तो आप करोगे, मैकार्थी कहां से आ गया भाई, रुक जाओ, तो उनका आ गया, ये दोनों आपके क्या है, विकेट लेने वाले हो जाएंगे मेन। तो आप क्या करो, आज थोड़ा सा दाव लेते हुए अगर सेफ खेलना है दोनों को रख देना, और थोड़ा सा रिस्क लेते खेलना है तो इन दोनों में से एक को हटाते हुए क्या करना, उन दोनों में से एक को डाल देना। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से गेम बनता है यार, गेम इसी तरीके से बनता है। अब टीम जो बनाओगे आप क्या बनाओगे, इनिंग वाइज बनाना है ना, इनिंग को ध्यान रखते हुए, और पहला इनिंग जो फेवरेट होगा उसको ध्यान रखते हुए आप टीम को बनाना, राइट। फिलहाल के लिए मैं आपको टीम एक बनाकर दिखाता हूं, और फाइनल जो टीम होगी वो हम कहां पे देंगे, कहां पे देंगे, टेलीग्राम में देंगे, इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम क्या करो, फट से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो आपके लिए क्या करेगा, फायदा ही होगा, घाटा नहीं होने वाला है, इसलिए जुड़ जाओ जल्दी से, आप रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे जल्दी से जुड़ जाओ। ट्रैक्टर और ये कौन है, टक्कर, दोनों में से एक को रखना है, ठीक है, एंडरसन एडायर ऊपर आएगा, थोड़ा सा खतरा है, देखते हैं गेंदबाजी नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो, डेलानी और नेत्रावालकर, अली खान और सिंह मैकार्थी, राइट। ये फिलहाल के लिए मैंने एक टीम को सेलेक्ट किया है, एक विकेट कीपर, 2 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर और 4 प्रॉपर गेंदबाज, ये 6-5-11 का मैंने रखा हुआ है सीन, राइट, 6-5-11 का मैंने रखा हुआ है, चलो 6-5-11 रखा हुआ है फिलहाल के लिए, जो सेफ टीम मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, राइट, ये देख लो फिलहाल के लिए। बाकी की जो टीमें होंगी ना, जो एक्चुअल टीम होगी ना, वो मैं आपको कहाँ दूंगा, पिच की रिपोर्ट को आने देना, क्योंकि मैच कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है तो बहुत ज़्यादा शोर हो के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पिच की रिपोर्ट के आने के में इंतजार करना होगा, एक्चुअली पिच का रिपोर्ट क्या है, तो पिच का रिपोर्ट जब आएगा उसके हिसाब से बनाएंगे। फिर अभी देखो क्या होगा ना कि शाम होते होते
मैं आप लोग क्या करूंगा, शाम होते तो नहीं टॉस होने से पहले मैं आप क्या करूंगा कि पहले इनिंग का फेवरेट मानते हुए मैं आपको कुछ टीमें दिखाऊंगा, ठीक है, दिखा के मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगा और समझाऊंगा कि जो पहले इनिंग फेवरेट मानते हुए मैंने ये टीम रखा हुआ है आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपकी भी ओपिनियन को लूंगा और क्या क्या फेर बदल कर सकते हो, क्या चेंजेस कर सकते हो, वो भी मैं वहां पे आपको क्या करूंगा समझा दूंगा। बट फिलहाल के लिए एक टीम यहाँ पे ले लो, कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी करोगे तो ये 20 से आपके निकल के आ जाएंगे। मार्क एडर भी आपका अच्छा ऑप्शन है, गेंदबाजी को ध्यान रखते हुए एस नित्रा वालकर क्या है अच्छा ऑप्शन है, सी यंग भी आपका क्या है उलट फेर वाला अच्छा ऑप्शन है। तो ये इस तरह का ऑप्शन अच्छे हैं, बल्लेबाजी के पीछे आ जाए तो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ए जो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार क्या है अच्छा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी सोच रहे हैं और फिलहाल के लिए टीम में सोच रहे हैं, लेकिन फाइनल जो होगा वो पिच रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे टेलीग्राम में देंगे। इसलिए बड़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम को आप जल्दी ज्वाइन कर लो, आप मुझे सर्च मत किया करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर रखा है अपने टेलीग्राम के लिंक को, तो उसी लिंक को क्लिक करो और सीधा आप टेलीग्राम से क्या कर लो जुड़ जाओ। एंड यस चैनल पर पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वहीं पर बेल आइकन यानी घंटा होगा उस घंटे को भी बजा लेना। तो अपना प्यार सपोर्ट यार कुछ भी नहीं चाहिए इतना, मतलब रिसर्च के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक चाहिए और 4 से 5 शब्द कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके 4 से 5 शब्द जो होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला देते हैं। और किसी भी इंसान को जो मेहनत करता है और आपके लिए कर रहा है तो आपको नहीं लगता है कि बदले में आपका भी फर्ज बनता है कि 4 से 5 शब्द उसके लिए लिख करके दे दिया जाए कि आपकी वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो से मेरी प्रेडिक्शन से आपको क्या सीखने को मिलता है 4 से 5 शब्दों में कमेंट करके ज़रूर लिखना। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।